एमजीएम संस्थेच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने 18 डिसेंबर रोजी हेरिटेज रनचं आयोजन करण्यात आलं आहे अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. शहरातील नामवंत शैक्षणिक संस्था म्हणून नावाजलेल्या एमजीएमच्या 34व्या वर्धापन दिनानिमित्त 18 डिसेंबर रोजी सकाळी हेरिटेज रनचं आयोजन करण्यात आलं आहे अशी माहिती एका पत्रकार परिषदेत हेरिटेज रनचे समन्वयक डॉक्टर कर्नल प्रदीप कुमार यांनी दिलं. यावेळी संस्थेचे सचिव बाबूराव कदम, आशिष गाडेकर, मनीष पोलकम, डॉक्टर रेखा शर्के आदींची उपस्थिती होती. कर्नल प्रदीप कुमार यांनी हेरिटेज वॉकचा मार्ग हा एमजीएम ते आझाद चौक, नौबत दरवाजा, सलीम अली सरोवर, अण्णाभाऊ साठे चौक ते पुन्हा एमजीएमपर्यंत असल्याचं स्पष्ट केलं. शहरातील सर्व महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना हेरिटेज वॉकमध्ये सहभागी करण्यात आल्यानं त्या स्मारकांबद्दल नागरिकांमध्ये आत्मीयता निर्माण होईल असं त्यांनी सांगितलंय. एमसीएनशी बोलताना कर्नल प्रदीप कुमार यांनी या हेरिटेज वॉकमध्ये कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही हेही स्पष्ट केलंय. औरंगाबाद में जो हेरिटेज मॉन्यूमेंटल हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारे पास है उसको संभालने के लिए लोगों में जागृति पैदा करना है. हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी गलियों में हमारे आसपास है उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, तो इस कॉज के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम एमजीएम की तरफ से हेरिटेज रन 18 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. क्योंकि एक सोशल इनिशिएटिव है और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें ताकि हमारा जो मैसेज है, जो एमजीएम मैसेज सोसाइटी में देना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे.